नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंटरनेट मास्टर जी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो अब तक सरकार द्वारा आपके जॉब कार्ड पर कितनी पैसे भेजी गई है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं बस थोड़ा सा टाइम देकर। दोस्तों, आपके साथ तो अक्सर ऐसा होता ही होगा कि आप अपने जॉब कार्ड से कोई मतलब नहीं रखते होंगे और आपका जॉब कार्ड किसी दूसरे के पास होगा तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जॉब कार्ड से पैसे भी उठाता होगा। तो इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो सरकार द्वारा लाइफ टाइम में आपके जॉब कार्ड में कितनी पैसे दी गई है, यानी आपके जॉब कार्ड अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट पर कितनी पैसा भेजा गया है वो चेक कर सकते हैं बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। राशन कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो आप तक सबसे पहले चला जाएगा आपके होम पेज पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं गूगल यहाँ पे खोल लेता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप करना है, एनरेगा। जी हाँ, NREGA, बस पांच शब्द आपको टाइप करना है, एनरेगा, NREGA, और लिख के सर्च कर देना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपको क्लिक करके खोल लेना है। देखिए, ये एनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट है, enrega.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बिल्कुल सरकार द्वारा बनाई गई वेबसाइट है। यहाँ की जानकारी दी हुई आपको फ्रॉड और फेक नहीं होगी, ये बिल्कुल रियल और सच्चाई से आपको सभी तरह की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस बड़ी पेज यहाँ पे कुछ आएगी तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे पेज नहीं खुला है, थोड़ा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे पेज लोड होंगे तो मैं वेट कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं खुला है अब तक, थोड़ी मैं वेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको पूरी वेबसाइट को ओपन होने देना है ठीक तरह से। तो आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है, और अब तक तो अभी तक ओपन नहीं हो पा रही है। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट बहुत ही लंबी फाइल की होती है, मुझे लगता है कि ये अब पूरी तरह से खुल गई होगी, तो मैं नीचे स्वाइप होता हूँ। दोस्तों, आपको नीचे स्वाइप होना है, सबसे नीचे स्वाइप होना है। नीचे स्वाइप होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पर जॉब कार्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट में आइए, यहाँ पे रिपोर्ट पे आना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे जॉब कार्ड का ऑप्शन, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिसे जो भी आपका स्टेट है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। सॉरी दोस्तों, मैं दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिसका जानकारी आप निकालना चाहते हैं, 2018-19 का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ब्लॉक पे क्लिक, सॉरी दोस्तों, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके नीचे आपको यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अपना ब्लॉक तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ फाइनली आपको पंचायत का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपको पंचायत पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना पंचायत जो भी है उसको सेलेक्ट कर लें। और नीचे यहाँ पे प्रोसेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, और फाइनली आपका यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपके विलेज का जितने भी लोग हैं उनकी सारे जॉब कार्ड लिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, तो इनमें से आपको अपना वाला चूज करना है। और ध्यान रखें, यहाँ पर आपका नाम और जॉब कार्ड नंबर दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो आपका नाम यहाँ पर आपको ढूंढना है, यहाँ आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा। तो देखिए, ये पूरी लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, देखिए मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, आपके पंचायत में जितने भी जॉब कार्ड हैं उन सब का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन नंबर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोग देख पा रहे हैं, आपका नाम, आपका फ़ोटो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा,
और उसके नीचे आप स्वाइप होइएगा तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रहा है कि आप कहाँ कहाँ पे वर्क किए हैं, कहाँ कहाँ से काम किए हैं, उसका वर्क का नाम बता दे रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्क आपको दिखाई पड़ेंगे, जहाँ जहाँ इस जॉब कार्ड से नंबर दिखाए काम किया गया है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको नीचे स्वाइप होना है और आपके जॉब कार्ड में कितने पैसे भेजा गया है, कितने दिन के लिए, वो भी सब कुछ जानकारी यहीं से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे यहाँ पे आपको 15,998 रुपये बता रहा है। पता नहीं ये काम की है या नहीं की है, ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सब टोटल नज़र आ रहा है और यहाँ पे हाजिरी है, कितने दिन का ये काम किया है, और यहाँ पे बिल्कुल पैसे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पैसे नज़र आ रहे हैं 15,958 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से जानकारी आप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं, और यहाँ साथ ही साथ जहाँ जहाँ से पैसा आया है, किस काम से पैसा आया है, वो भी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से पैसा आया है यानी किसके पास आप काम किए हैं, इस जॉब कार्ड नंबर से किस किस वर्क को काम किया गया है, जहाँ से ये पैसा मिला है, तो उस वर्क को खोल के आप देख भी सकते हैं। इस तरह करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं अपने मोबाइल पर ही। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमें अपने दोस्तों के काबिल समझते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। दोस्तों आप लोगों को कोई वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करना, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो, क्योंकि हमारी मेहनत का फल लाइक बटन पर ही होता है। चाहे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे हम लोगों को मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और मैं इस तरह का वीडियो और आगे बनाने की कोशिश